सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ में पूर्व मंत्री के सचिव के खिलाफ FIR, महिला ने लगाया छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास का आरोप। मुजफ्फरनगर में धारदार हथियार से काटकर पत्नी की हत्या, पति पत्नी में कई दिनों से चल रहा था विवाद। डीएम एसपी के सामने गड्ढे में पलटा ई रिक्शा, गाड़ी में बैठे रहे अफसर देखकर भी नहीं रुके, लोगों ने बचाया, सीतापुर की है घटना। महाराजगंज में हाथ में पिस्टल लिए युवक का वीडियो वायरल, फिल्मी डायलॉग पर युवक ने लहराया पिस्टल। लखीमपुर खीरी में डीएम ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का किया निरीक्षण, आपदा पर नजर बनाए रखने और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में कर्मचारियों ने कंपनी में किया जमकर हंगामा, कंपनी में खड़ी कारों के शीशे तोड़े, ओवरटाइम और तनख्वाह कम आने से नाराज थे। रामपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, भाई ने दी नामजद FIR, पुलिस की दो टीमें तलाश में जुटी। अयोध्या में कार्तिक कल्पवास आरंभ, सरयू स्नान और मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु जगह जगह सुन रहे हैं रामकथा। आगरा से लापता 7 साल की बच्ची ग्वालियर में मिली, 2 घंटे पुलिस को झूठी कहानी में उलझाए रखा, फिर आगरा का पता बताया। फिरोजाबाद में पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन के वेब पोर्टल शुरू, अब घर बैठे दर्ज होगी शिकायत, नहीं हो रहा हो सकेगी कोई फेरबदल। आगरा फोर्ट स्टेशन बना ऑटो स्टैंड, स्टेशन में लपके और ऑटो चालक डालते रहते हैं डेरा, सीढ़ियों पर भी यात्रियों से करते हैं खींचतान। प्रयागराज में कुएं में डूबने से पिता पुत्र की मौत, पारिवारिक कलह से परेशान पिता ने लगाई थी छलांग। मेरठ में कैंट बोर्ड ऑफिस में CBI की रेड प्रकरण, सैनिटरी सुपरवाइजर संजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर में महिला ने तेजाब पीकर किया सुसाइड, सांवले रंग होने के कारण पति और सास मारती थी ताना। उन्नाव में भारी बारिश से चरमराई विद्युत व्यवस्था, नगर के 20 मोहल्ले में 26 घंटे ठप रही आपूर्ति, 700 घरों में 20 घंटे नहीं मिली बिजली। लखनऊ में महिला की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर 3 बदमाशों ने की वारदात, जेल में बंद रहकर हिस्ट्री शीटर पर आरोप। गोंडा में आपातजनक धार्मिक टिप्पणी करने पर बवाल, आरोपी के घर पर पथराव, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी, 25 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में दीवार गिरने से 10 वर्षीय मासूम की मौत, 1 महिला समेत 3 बच्चे घायल, मूसलाधार बारिश से गिरी दीवार। फतेहपुर में बारिश से कच्चा मकान गिरने से 5 दबे किशोर की मौत, मां बोली आवास मिला होता तो नहीं आती ये विपत्ति। बागपत में अधिग्रहित जमीन पर कब्जा के विरोध में बवाल, पुलिस ने किसानों पर किया लाठी चार्ज, घसीट कर गाड़ी में डाला।
मुलायम के निधन पर निरहुआ ने जताया शोक, कहा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे नेताजी, देश के लिए अपूर्ण क्षति। भदोही में साइबर सेल्स ने वापस कराए ठगी के रुपए, 9 पीड़ितों के 10,800 रुपए कराए वापस, विभिन्न माध्यमों से हुआ था फ्रॉड। बिजनौर में बारिश से गिरे आधा दर्जन से ज्यादा मकान, हादसे में एक की मौत, कई घायल, राजस्व विभाग कर रहा है नुकसान का आकलन। गंदे पानी से गुजर रहे विंध्याचल धाम आने वाले श्रद्धालु, रेंगड़ा चुंगी के पास रहता है भारी जल जमा, पानी में अक्सर फंस जाती हैं गाड़ियां। मुलायम सिंह के निधन पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का बयान, गुलाब देवी बोली पूर्व रक्षा मंत्री की वजह से भी मैं प्रिंसिपल बनी। जन्मभूमि बनी अंतिम यात्रा की साक्षी, पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, बेटे अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि। दोस्त की चप्पल देख मुलायम ने बना दिया था मंत्री, दोस्त की आंखें नम बोले, हमारी पढ़ाई सुनकर ही परीक्षा दे देते थे। कानपुर में दबंग ने युवक पर बरसाई जमकर लाठियां, युवक गंभीर में हालत में हेलेट रेफर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में दूसरे धर्म के युवक पर शादी करने पर रंजिशन भाई ने अपनी बहनोई कुमारी गोरी मेडिकल कॉलेज रेफर। महाराजगंज में मां बेटी की पड़ोसियों ने जमकर पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में रुक रुक रह हो रही बारिश, बारिश के चलते भरभरा कर गिरा मकान, एक घायल। बदायूं में बाघ के पेड़ पर लटका मिला युवक व विवाहिता का शव, मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर, हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर लगा आरोप। बदायूं फरुखाबाद हाईवे के रोड किनारे पर पड़े गोवंश को नोच रहे कुत्ता और कौवा, प्रशासन आवारा, गायों के ऊपर नहीं दे रही है ध्यान। कानपुर में बिल्डर वशी के बेटे समेत 10 को मिली जमानत, एनएसए और गैंगस्टर के आरोपित बच्चे अन्य को मिल रही है जमानत। कासगंज के धुबियाई गांव के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, मामले की तह तक जाने में जुटी पुलिस। सीतापुर में मुलायम सिंह यादव के निधन से सपाइयों में शोक की लहर, सपाइयों ने अपने नेता के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सोनभद्र में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आशाओं ने दिया सीएमओ कार्यालय पर धरना, आशाओं ने जमकर की नारेबाजी। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्ष आमने सामने, विवादों में अराजक तत्वों ने किया पथराव। उन्नाव में कई घंटों से हो रही बारिश के से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से कच्ची दीवार गिरने से 7 बच्चे दबे। सीतापुर में भारी बारिश के चलते बरेजलालपुर क्षेत्र में हुआ जलभराव, तालाब में तब्दील हुआ गांव।
रायबरेली में जल निकासी न होने की वजह से गांव के चारों ओर हुआ जलभराव, जलभराव की बीमारियों से फैलने का भी है खतरा। अयोध्या में बारिश के से कच्चा मकान गिरने से महिला और बच्चे समेत दो की मौत, दो बुजुर्ग घायल। कन्नौज में एनएच 51 पर कट की मांग को लेकर ग्रामीण व दुकानदारों ने दिया धरना, घंटों लगा रहा जाम। कासगंज के बीच बाजरे के खैर में एक बालक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में मंदिर में हुई चोरी, मंदिर से चांदी का मुकुट व सोने की नथ और दान पात्र पर किया गया हाथ साफ। बलरामपुर में तटबंध टूटा, 200 गांव में घुसा पानी, 24 घंटे में 11 की मौत, प्रदेश में 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। फतेहपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी कर दुल्हन हुई फरार, ससुराल पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी, 4 माह से दूल्हा परेशान। रामपुर के कॉलेज की छात्रा ने फतेह की दुर्गम पहाड़ी, बारिश और भारी बर्फबारी के बीच दंगमाचन चोट पर फहराया तिरंगा। हापुड़ में 50 घंटे में 33 mm हुई बारिश, किसानों का हुआ करोड़ों का नुकसान, सब्जी की फसल भी हुई बर्बाद। ट्रैफिक पुलिस के ट्रैक्टर रोकने पर किसानों ने किया प्रदर्शन, बागपत कलेक्ट्रेट में चल रहे धरने में शामिल होने जा रहे थे किसान। श्रावस्ती में लगातार कम हो रहे जलस्तर, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे डीएम और एसपी, निरीक्षण कर बांटी राहत सामग्री। सुल्तानपुर में उपद्रव को पकड़ने की 5 टीमें गठित, एडीजी जोन ब्रिजभूषण बोले उकसाने और छिपे अराजक तत्वों को हो रही है पहचान। उन्नाव में तटवर्ती इलाकों में पुलिस ने किया अनाउंसमेंट, लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। हरदोई में बारिश से सीएसी तालाब में तब्दील, घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर लोग। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर लाइनमैन की मौत, बागपत में शटडाउन न होने से हुआ हादसा। कानपुर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बड़े मरीज, शहर में 5 नए मरीज मिले, स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला की हालत गंभीर। पांच दिन के बारिश से बाढ़ का खतरा, बरेली के साथ उत्तराखंड में लगातार बारिश, नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। मुजफ्फरनगर पालिका चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल बर्खास्त, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान भी शिकायत पर हुए थे, वित्तीय अधिकारी सीज। औरैया में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर आक्रोश, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या में सरयू उफान पर खतरे के निशान से 77 सेंटीमीटर ऊपर, नदी का जलस्तर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर का इजाफा। पीलीभीत में खाई में भरे पानी में डूबने से विकलांग की मौत, सड़क किनारे खाई में भरा था पानी, शराब पीने का आदि था युवक।
बस्ती में LIC अभिकर्ता का शुरू हुआ धरना, पॉलिसी धारकों और अभिकर्ता के हित में सरकार से कदम उठाए जाने की मांग की। चंदापुर बांध कटने से दर्जनों गांव में घुसा पानी, बलरामपुर में हजारों एकड़ की खड़ी फसल बर्बाद, 80 गांव चपेट में आए। शामली में अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरफ्तार, कई प्रदेश में दर्ज है मुकदमे, व्यापारी के साथ की थी लूट, बाइक और लूटी गई चेन बरामद। विंध्याचल में पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, बहन बोली युवक पुलिया से धक्का देकर पत्थर पटक कर उसके भाई को मारा गया। उन्नाव में सराफा कारोबारी का बैग चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, तमंचा कार और चोरी का सामान हुआ बरामद। बिजनौर में पहाड़ी नदी में बाढ़ आने से फंसी बारात, लोगों ने जंगल में गुजारी रात, दूल्हा और दुल्हन को परिचित के घर ठहराया गया। शाहजहांपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा, पुलिस मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को लेकर आया तो भड़के लोग, पुलिस ने महिला को वापस भेजा। प्रयागराज में लाठी डंडे और रॉड से पिटाई, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर, CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। महाराजगंज में ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में हुई चोरी का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 10 लाख बरामद। बुलंदशहर में बारिश से 18 करोड़ का नुकसान, किसानों की 15 करोड़ की फसल चौपट, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। संभल में बारिश से गिरे 4 मकान, भाई बहन समेत 4 घायल, गंभीर हालत में युवती, मुरादाबाद रेफर। बहराइच में भारी बारिश से कई गांवों में घुसा पानी, DM SP ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया लिया जायजा, वितरित किए खाद्य सामग्री। देवरिया में कांस्टेबल ने नाबालिग को पीटा, परिजन बोले सुलह के लिए मांग रहा था 10,000 रुपए, SP से शिकायत। फिलहाल के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।